हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड चैप्टर पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और एक थ्योरी का चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है आप इसको चैप्टर को पढ़ने में। हमने बेटे आज तक बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने आज तक सब सारी चीज रिवाइज करा दूं बच्चे के लिए। सर एक बार जल्दी जल्दी बता दो आज तक हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने सबसे पहले पढ़ा कॉमर्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, बेसिक टर्म्स के बारे में। फिर हमने चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा। फिर हमने फाइनेंस अपना कौन सा चैप्टर पढ़ा, कैश बुक पढ़ा, अदर बुक्स पढ़ा। चैप्टर नंबर वन पढ़ा थ्योरी का, चैप्टर नंबर टू पढ़ा थ्योरी का। चैप्टर नंबर वन क्या था? अकाउंटिंग के बारे में था। चैप्टर नंबर टू किसका था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में था। हमें मोटा मोटा काफी अच्छा ज्ञान हो चुका है अकाउंट्स का। आओ जी, आज हम शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे दूं। इंपीरियल एकेडमी सीए पारसपुरी अकाउंट्स क्लासेस, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? अपना चैप्टर नंबर थर्ड, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर वन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मैं जो जहां तक मैं इस चैप्टर को समझ पाया, जहां तक मैंने इस चैप्टर को समझा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा एक बार। बस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में आपको पता है झगड़े का मूल कारण क्या है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। कि कहने का मतलब यह है कि सबकी अपनी एक विचारधारा है। मैं तो इस चीज को हमारे कल्चर से और हमारे धर्म से जोड़ के देखता हूं। आप समझे, यदि पूरी दुनिया में सब लोग क्रिश्चियंस हो जाए, पूरी दुनिया में, तो आप समझ के देखो कि झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आज सबसे बड़ा झगड़ा क्यों है? टेररिस्ट क्यों है? वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, वो कहता है मुस्लिम खतरे में, वो कहता है क्रिश्चियन खतरे में, वो कहता है बुद्धिज्म खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है भाई, सोचो। चलो पूरे वर्ल्ड को आप क्या बना दो? मुस्लिम बना दो, क्या फर्क पड़ता है? झगड़ा खत्म होना चाहिए, लोगों की डेथ बंद होनी चाहिए, टेररिस्ट अटैक बंद होने चाहिए। धर्म कोई भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता। उसी प्रकार से ना अकाउंट्स जो है ना बेटा, वो बहुत सारे अकाउंटिंग अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यदि हर एक व्यक्ति अपने एक ओपिनियन से अकाउंट्स तैयार कर दे, तो आप समझ के देखो सबके पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएंगे? बहुत अलग अलग आ जाएंगे। सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक ही कंपनी को देख के कोई कहेगा ये तो बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और दूसरा अकाउंटेंट और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको देख के क्या कहेगा कि नहीं, मेरी ओपिनियन में तो बिल्कुल खराब है। अब बात समझ के देखो यार, जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी के ओनर है, जो कंपनी के पार्टनर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, वो तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो तो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप समझ के देखो, आपने दो अलग अलग डॉक्टरों से टेस्ट कराए, एक ने कहा बिल्कुल फिट है, दूसरे का नहीं जी आप तो बहुत बीमार है। मान लो इंडिया वर्ल्ड के अंदर बीपी के पैरामीटर्स अलग हो। इंडिया में माना जाता है 120-80, मतलब 120-80 के रेंज में यदि आपका ब्लड प्रेशर है तो ठीक है। इंडिया के बाहर 90-110 है, कुछ कंट्रीज में 90-110 है। तो यदि उस केस में आपका इससे ज्यादा है तो आप बीमार हैं, तो आपको बीपी की गोली लेनी चाहिए। मतलब आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बीपी की गोली की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 80-120 है, और कहीं और 70-110 है तो वहां पे आपको बीपी की गोली लेनी चाहिए। ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। इसलिए मेडिकल में सब लोगों को एक जैसी बात सिखाई जाती है, सभी डॉक्टरों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। आप अपना एक किसी भी लेबोरेटरी से एक टेस्ट कराएं और चार डॉक्टर से ओपिनियन लें, तो चारों की ओपिनियन मोटा मोटी सेम होगी। इसलिए हमारे अकाउंट्स ने भी कहा कि जो हम डॉक्टर्स जनरेट करेंगे, हमारे डॉक्टर्स कौन होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी परसेप्शन, उन चार्टर्ड अकाउंटिंग की भी अजम्पशंस, उनके भी प्रिंसिपल्स,
उनके भी माइंडसेट सेम रहने चाहिए कि कोई एक कंपनी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके पहुंच जाए तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रिजल्ट निकाले वो सेम हो, वो सेम, सभी लोग एक जैसी बात करें, सभी लोग एक जैसी बात तब करेंगे, सभी लोग एक जैसी बात तब करेंगे जब उनकी पढ़ाई एक जैसी होगी, जब उनकी पढ़ाई एक जैसी होगी। इसलिए उनको क्या सिखाए गए, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जब वो पढ़ाई कर रहे थे, जैसे आप लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग आज जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो यूनिवर्सली पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है और इंडिया के बाहर भी ऐसा होता है और इवन इंडिया के अंदर भी हर स्टेट्स में एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। सोच के देखो, दिल्ली में पढ़ाया जा रहा है एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, यूपी में पढ़ाया जा रहा है निजी एसेट्स के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यार इसका मतलब जो दिल्ली में पढ़ेगा वो यूपी में बेचारा जॉब ही नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो पता ही नहीं वहां क्या होता है। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स अकाउंटिंग के कुछ मेथडोलॉजीज, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स क्या है बेटा, कॉमन है, जो सबको एक जैसे ही पढ़ने हैं, सो दैट कि कल को जो रिजल्ट्स निकल के आए वो भी क्या हो, सेम हो। आओ जी शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप अब क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपने नोट्स में से रीड करना शुरू करने जा रहे हैं। आओ जी रीड करें इसको, रीड करें। आओ जी क्या कहता है, कह रहा है व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। हमने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्वेंशंस हैं एंड कॉमनली नोन एज क्या कहलाते हैं ये, गैप। क्या कहलाते हैं बेटा ये, गैप। गैप क्या होते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं बेटा, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप। कह रहे आर द बेसिक रूल्स That define the parameters. ये वो basic rules हैं जो parameter को दर्शाते हैं and concerns with the with accounting operates. जिसके अंदर accounting क्या करेगी, ये वो दायरा है जिसके अंदर accounting operate करेगी। आगे चलते हैं second point. These accounting principles are theory base of accounting. क्या है ये, theory base of accounting है, on the basis of which the financial statements are prepared. इन्हीं के basis पे कोई भी organization, कोई भी company अपनी क्या बनाती है बेटा, financial statements prepare करती है, जिनसे हम company की performance and position calculate करते हैं। Financial statement क्या करती है, financial statement दो काम करती है, एक तो हमें क्या बताती है बेटा, हमारी इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी हमें हमारी क्या बताती है, पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट, याद करो मैंने आपको अदर बुक्स में पढ़ा दिया, इनकम स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जो हमें हमारे ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट बताती है। और पोजिशनल स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट से, जो हमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का ज्ञान करवाती है। सोचो यदि दो अलग अलग अकाउंटेंट्स ने दो अलग अलग अजम्पशन से अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, तो दोनों के हिसाब से आपका प्रॉफिट और दोनों के हिसाब से आपकी एसेट लाइबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम सभी बच्चों को, हम टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि हम सभी बच्चों को एक जैसा अकाउंट्स पढ़ाएं कि सभी लोग यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कल को चल के बनाते हैं तो सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बने, एक जैसी बने। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। इन अदर वर्ड्स दे आर अ गाइडलाइंस, ये वो गाइडलाइंस है फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या है बेटा, ये हमारे पास एक गाइडलाइंस है। क्या है बेटा, ये हमारे पास गाइडलाइंस है। आगे चलते हैं, यहां तक पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आता है, बच्चे कह रहे हैं यस सर, बच्चे कह रहे हैं सर अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आओ जी क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए हम, किस पे आ गए बेटा, क्वेश्चन नंबर टू पे। आओ जी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू, क्या कहता है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर टू पे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू, ध्यान से रीड करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कह रहे हैं क्या बताओ, नेचर बताओ, मीनिंग बताओ और नेचर बताओ, किनका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। मैंने कहा बहुत आसान है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल लॉ, ये वो जनरल लॉ है और रूल्स है
जो अडॉप्टेड और प्रपोज किए गए हैं, जो अडॉप्ट किए गए हैं या सुझाव दिए गए हैं एज अ गाइड टू एक्शन, एक गाइड की तरह क्या लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, अ सेटल ग्राउंड्स ऑन अ बेसिक कंडक्ट्स और प्रैक्टिसेस, जो हमने इनहेरिटेंटली सीखा, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया, जो हमारे भी टीचर्स ने हमें सिखाया, जो हमारे भी गुरुओं ने किया था, जो हमारी भी बुक्स ने कर रखा है, ठीक है, वो सब कहां से आया? या तो वो प्रिंसिपल्स थे, या तो वो क्या थे बेटा, प्रिंसिपल्स थे, या वो क्या थे, दूसरी चीज, या वो क्या थे, प्रैक्टिसेस से, प्रैक्टिस से चीज सामने आई। प्रैक्टिस से मतलब हम एक, मैं एक अकाउंटेंट हूं पिछले कई सालों से कंपनी में, और मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन का ये वाला मेथड नहीं, ये वाला मेथड होना चाहिए, हमें इनकम को पॉइंट ऑफ सेल पे ही मान लेना चाहिए, हमें सेल को पॉइंट ऑफ टाइम, सेल को सेल डेट पे ही मान लेना चाहिए, ना कि रियलाइजेशन डेट पे, ना कि किस पे बेटा, रियलाइजेशन डेट पे। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हम अकाउंट्स पढ़ने टाइम करते हैं, या तो ये हमें हमारे भी पूर्वजों ने बताई थी, या ये सभी चीजों को हमने, या इन सभी चीजों को हमने करते 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 रियलाइज किया, और बाद में चल के हम इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आए, बाद में चल के हम इसको क्या ले आए बेटा, प्रैक्टिस में ले आए, ठीक है। आपने भी स्कूटी, देखो जब आपने स्कूटी चलानी सीखी, कार चलानी सीखी, तो आपके पापा ने आपको कुछ गाइड किया कि बेटा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आपने उस हिसाब से चलाई, फिर कुछ चीजें आपने कैसे अडॉप्ट करी, चलते 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 सड़क पे चलते चलते आपने सड़क के लोगों के बिहेवियर को और पैटर्न को समझा, और आपने खुद से कुछ चीजें अडॉप्ट करी कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, फिर हमने अडॉप्ट किया रेड लाइट जंप करनी है, विदाउट हेलमेट चलना है नालायक, ऐसी बातें नहीं, जैसे किसी को ओवरटेक नहीं करना, इवन हम, मैंने तो ये तक अडॉप्ट किया कि यदि ग्रीन सिग्नल है ना, ग्रीन सिग्नल तो भी सीधा नहीं जाना, तो भी इधर उधर देख के जाना है कि भाई कोई मूर्ख इधर उधर से आ ना रहा हो, तो ये मेरी अपनी अडॉप्शन है, पर किसी गाइडलाइन में, किसी रूल में लिखा नहीं है कि ग्रीन लाइट पे आपको चौकस होके जाना है, परंतु स्टिल मैंने ये बात रियलाइज करी, एनालाइज करी, और मैंने अडॉप्ट कर ली। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अकाउंट्स भी है, कुछ चीजें हमें विरासत में मिली और कुछ चीजों को हमने करते 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 रियलाइज किया और आगे चल के अडॉप्ट कर लिया। गॉट इट? पक्का? चलते हैं आगे, क्या कहते हैं जी, कह रहे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल रूल्स adopted or proposed as a guide to action to settle a grounds, ठीक है जी। पहली चीज है accounting principles, पहला word पढ़ने जा रहे हैं accounting principles, यहां गलत लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है public accountants नहीं, उसका नाम है accounting principles, आओ जी read करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन, ये वो रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्टेड अडॉप्टेड, कंडक्ट अडॉप्ट किए गए हैं बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, पूरे संसार में अकाउंटेंट के द्वारा ये चीजें अडॉप्ट की गई हैं, एक्सेप्ट की गई हैं, व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जब आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे होगे बेटा, रिकॉर्ड कर रहे होगे। Second point, they are the norms, rules which follow as given accounting treatment. वो कह रहा है ये सभी के वो norms हैं, rules हैं, जो कि follow किए जाते हैं accounting treatment के through, जब हम accounts prepare कर रहे होते हैं या उसमें कोई ना कोई treatment कर रहे होते हैं, to various item, किस किस की various item, assets की treatment में, liabilities की, expense की, income की, इन सभी चीजों की treatment में, जो चीजें हम use करते हैं, जो चीजें हम record करते हैं, वही सब क्या, accounting principles। थर्ड पॉइंट, दीज प्रिंसिपल क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, कह रहा है ये प्रिंसिपल्स आगे चल के दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कॉन्वेंशन। पहला क्या है बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक अजम्पशन है, क्या बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एक अजम्पशन है, ध्यान से पढ़ते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशन, क्या है बेटा, ये अजम्पशन है और फंडामेंटल प्रोपोजिशन है, विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट, जिस दायरे के अंदर अकाउंटिंग क्या करती रहती है, ऑपरेट करती रहती है। सेकेंड पॉइंट, दे आर जनरली एक्सेप्टेड,
ये जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग रूल्स एंड विच आर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर। वो कह रहा है ये वही सभी अकाउंटिंग चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जब हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वही बात जो मैंने आपको एक बार समझा दी वही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट टू फॉलो, ये इंपॉर्टेंट है फॉलो करना द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट इनेबल द इंश्योर users of the financial statement to understand them better and in a same manner। मतलब कह रहा है इनको इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जो हमारी अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन आती है वो बहुत बेहतरीन आती है और अकाउंट्स में जो सही बात होती है वही हमारे सामने प्रस्तुत भी होती है। देखो बेटा ऐसा होता है, मैं एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, तो मैं किस बात को देख के उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। किसको देख के बेटा? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के। यदि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही होंगी तभी तो मैं अपना सही डिसीजन ले पाऊंगा। यदि मान लो उन्होंने उसमें कुछ फ्रॉड एंड एरर कर रखा है, कुछ ऐसी चीजें कर रखी है जानबूझ के उसको मैन्युपुलेट कर रखा है, क्या कर रखा है बेटा? मैन्युपुलेट, या उसमें क्या कर रखी है? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेशन करना अकाउंट्स को अपने हिसाब से, तो मेरे डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और वो रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए अकाउंट्स के अंदर दी गई सभी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमें सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्वेंशन प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड पे आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कॉन्वेंशन क्या है? कह रहा अकाउंटिंग कॉन्वेंशन आर द आउटकम, ये वो रिजल्टेंट है, आउटकम है ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो मैंने ये बोला ना कि मैंने कुछ प्रैक्टिस से सीखा, मैं पिछले 10 साल से स्कूटी चला रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से कार चला रहा हूं, मैं पिछले 10-15 साल से इनफैक्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया कि टीएस ग्रेवाल के हिसाब से यदि पढ़ा दिया ना बच्चों को तो समझ नहीं आएगा। पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कराए तो किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। आज आपको बहुत सारी चीजों का बेटा एक्स्ट्रा ज्ञान है, आपको पता है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपको पता है पहले एंट्री जर्नल होती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर वो क्लोज होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचती है। तो ये सब बातें आज यदि हम इस स्टेज पे खड़े होके कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने के बाद, अकाउंट्स पढ़ने के 4 महीने के बाद, तो आज आप इन थ्योरी बेस को बहुत अच्छा समझ सकते हो। पर शायद जब मैंने पहली बार 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था उस टाइम मैंने ये गलती कर दी थी कि पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ा दिया, बच्चे भाग गए, कह रहे सर को पता नहीं क्या हो गया। उन बच्चों ने तो बाहर जाके बोल दिया, कह रहे सर वो कहीं जाके बोल दिया कि अकाउंट्स तो थ्योरी सब्जेक्ट है, वहां तो थ्योरी करा रहे थे, मुझे लगा जैसे बुक में गिवन है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वैसे पढ़ाते होंगे। पर नहीं जी नहीं, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन कवर मैंने भी रियलाइज किया, अपनी गलतियों से सीखा, अपनी टीचिंग प्रैक्टिस से सीखा और एक आउटकम निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि भाई साहब पहले प्रैक्टिकल पढ़ा लो थोड़ा, उसके बाद थ्योरी पढ़ाओगे तो बच्चा सही से उस थ्योरी को अपने किए हुए प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करके देख पाएगा। आज यदि मैं कहता हूं कि बुक्स आर रिकॉर्डेड, तो आपको पता है रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड का मतलब होता है पास द जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक, कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। आज हमें सब बातें पता है। यदि पहले ही दिन मैं आपसे ऐसी बातें करता तो सर आप कहते सर पता नहीं घर जाके बोलते, मम्मी पता नहीं सर कैसी भैंकी भैंकी बातें करते रहते हैं। ठीक है, आओ जी चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैं दोबारा से पढ़ता हूं, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस आर द आउटकम, ये वो आउटकम है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से निकल के आए हैं और प्रिंसिपल से, बींग फॉलो बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों से इसको इस्तेमाल कर रही है। कन्वेंशन में undergo a change with a time to bring improve in the quality of accounting information, kya na inko samay ke sath badla bhi jata hai so that ki hum apni accounting ki kinko quality ko jo resultant ki jo information ki quality hai wo improve hoti rahe samay ke sath sath। aage chalte hain ji, yahan tak hamara second question kya ho gaya beta, complete ho gaya। ab hum aa gaye question number 3 pe, question number 3 पे वो कह रहा है व्हाट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस।
व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो हमने कहा भैया जीसीए, क्या है जीसीए, वो क्या ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जीसीए, 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 जी फॉर, पहले पढ़ेंगे जी फॉर, सी फॉर, ए फॉर, जी फॉर गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या बेटा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्या कहती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है कि बिजनेस की जो लाइफ है ना वो बहुत लंबी है। बिजनेस की लाइफ क्या है बेटा, बहुत लंबी है, मतलब नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मुझे अपने बिजनेस को ना बंद करने की आवश्यकता है ना छोटा करने की आवश्यकता है। मैं अपने बिजनेस को बहुत दूर तक देख सकता हूं, अनफोर्सिएबल पीरियड तक, जहां तक मैं देख भी नहीं सकता वहां तक मेरा बिजनेस चलेगा, जहां तक मैं देख भी नहीं सकता वहां तक मेरा बिजनेस चलेगा। इसलिए हम एसेट्स के दो पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं करंट एसेट्स, जिनका बेनिफिट हम एक साल में कंज्यूम कर जाएंगे, और नेक्स्ट होती है फिक्स एसेट्स, जिनका बेनिफिट हम सालों साल इस्तेमाल करते रहेंगे, पता नहीं कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे। कोक ने पेटेंट लेने टाइम कभी सोचा था कि हमें लगभग 200 साल हो जाएंगे, 150 साल हो जाएंगे कंपनी चलाते चलाते? कभी रिलायंस ने ऐसा सोचा था कि इतना लंबा बिजनेस जाएगा इतने सालों तक? आज मुकेश अंबानी से पूछो आप कि सर आपका बिजनेस और कितना लंबा जाएगा, कह रहा सर अनफोर्सिएबल पीरियड है, पता नहीं अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, आगे मैं अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूं, हम सब लोग इसको बहुत दूर तक और बहुत सालों तक लेके जाएंगे। आओ जी चलते हैं बेटा, क्या कहता है पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस शेल कॉन्टिन्यू फॉर अ फॉरसीएबल पीरियड, तक अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, एंड देयर इज अ नो इंटेंशन, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस। मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई, हमें कोई नियर फ्यूचर में ऐसी चीजें दिखाई नहीं दे रही जिसकी वजह से हमें अपने बिजनेस को आने वाले समय में बंद करना पड़ेगा या आने वाले समय में इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इट विल नॉट बी डिसॉल्व इन अ इमीडिएट फ्यूचर। हमें नहीं लगता कि हम इस बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे, भंग कर देंगे, बंद कर देंगे नियर फ्यूचर में, अनलेस देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। जब तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं दिखता इस चीज का, जब तक इस चीज का कोई क्लियर एविडेंस नहीं दिखाई देता, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द डिस्टिंग इट मेड बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर विल गिव अ बेनिफिट अ लॉन्ग टर्म पीरियड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज वन whose benefit to be consumed or exhausted within the accounting period। वही कह रहा है, वो कह रहा है इसी के बेसिस पे हम अपने खर्चों को भी, इसी के बेसिस पे हम अपने खर्चों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होती है, कैपिटल नेचर एसेट से, एक्सपेंस से एसेट क्रिएट होती है जिसका बेनिफिट हम सालों साल लेते रहते हैं, और रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके एक्सपेंस को, जिसके खर्चे को, जिसके बेनिफिट को आप कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं या एग्जॉस्ट कर लेते हैं विद इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। जिस साल पैसा खर्च किया गया उसी साल आपने उसका बेनिफिट भी ले लिया। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड इन देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिशिएट अ सिस्टमेटिक मैनर विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। कह रहे सर इसी वजह से हम अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करते हैं और हर साल उस पे, हर साल उस एसेट का जितना भी पार्ट हम कंज्यूम करते रहते हैं, जितना भी पार्ट हम कंज्यूम करते रहते हैं उतने पार्ट को डेप्रिसिएशन मान के एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिमेनिंग पार्ट को फिर दोबारा से कहां लिख देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने 100 रुपए की एसेट ली, पहले साल 20 रुपए की यूज करी तो 20 रुपए डेप्रिसिएशन मान के खर्चा मान लिया और बाकी 80 रुपीज बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बाकी 80 रुपीज बैलेंस शीट की एसेट साइड में दोबारा से दिखा दिए।
इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। मुझे किसी ने आगे कहा, भाई साहब आपको तो बहुत नुकसान हो गया। मैं कहा कैसे? कह रहा ये मशीन तो मार्केट में 50 रुपए की मिलती है, वो भी नहीं। मैंने कहा भाई मुझे क्या लेना देना, मुझे कौन सा बेचनी है, मुझे कौन सा बेचनी है। या कोई आगे गए भाई साहब मुबारक हो, मैं कहा क्या हुआ लड़का हुआ क्या? नहीं नहीं भाई साहब आपने जो मशीन खरीदी थी ना, ये मशीन तो मार्केट में आती ही नहीं, ये मशीन तो मार्केट में आती नहीं, अब तो ऐसी मशीन 500 रुपए की मिलती है। मैंने कहा मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मुझे कौन सी बेचनी है, मुझे तो मेरे बिजनेस में हेल्प कर रही है। सोचो जिस घर में आप रह रहे हो, कोई आगे कहे सर ये तो 10 करोड़ का हो गया, ये तो 20 करोड़ का हो गया, आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, मुझे कौन सा बेचना है, मुझे कौन सा बेचना है। और कोई आगे गए भाई साहब आप तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं कहा क्या हुआ भाई? कहता अब जिस घर में आप रह रहे हो, इस जैसा घर अब आधे दाम में मिलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कौन सा बेचना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है जी, ये हमारी क्या खत्म होगी बेटा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म होगी। क्या खत्म होगी बेटा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या बेटा? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या कहती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? ये बहुत अच्छी बात कहती है। ये कहता है कि भाई साहब आपको अकाउंट्स बनाने टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको अकाउंट्स बनाने के टाइम क्या रहना पड़ेगा? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पहले आप मेरी बात को सुनना ध्यान से, फिर हम नोट्स में से रीड करेंगे। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि आपने एक साल तो किसी मेथड को यूज कर लिया, किसी प्रिंसिपल को यूज कर लिया, और नेक्स्ट ईयर में जाके आपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग अजम्पशंस को चेंज कर लिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात समझो, आप किसी भी चीज का कंपैरिजन, किसी भी चीज का कंपैरिजन तभी सही कर पाएंगे जब उसका बेस सेम होगा, जब उसका बेस सेम होगा। मैं आपको बात समझाता हूं। एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, इसके 40 मार्क्स आए हैं, इसके 60 मार्क्स आए हैं। बताना कौन इंटेलिजेंट है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन इंटेलिजेंट है। सभी बच्चे कह रहे हैं सर बी इंटेलिजेंट है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। इसके 40 में से 40 है और इसके 100 में से 60 है। तो इस बच्चे के तो 100% मार्क्स है और इस बच्चे के 60% मार्क्स है। बताओ एकदम से आपकी परसेप्शन बदल गई कि नहीं बदल गई एकदम से? इसलिए हमेशा सभी बच्चों से क्या पूछी जाती है? उनकी परसेंटेज। क्या पूछी जाती है? उनकी परसेंटेज। कभी उनके मार्क्स नहीं पूछे जाते। क्या पूछी जाती है? परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज सबकी बराबर ही आएगी। मतलब कहने का मतलब है क्योंकि बेस क्या रहेगा उसमें? सेम रहेगा। परसेंटेज से आप सही कैलकुलेशन कर पाओगे, सही डिसीजन तक पहुंच पाओगे, सही आंसर, सही रिजल्टेंट तक पहुंच पाओगे। ये assumption, ठीक है? ये क्या हमारी अकाउंटिंग सॉरी कंसिस्टेंसी assumption। क्या कहती है कंसिस्टेंसी assumption? ये कहती है जब भी आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप उन सब अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस और assumptions को फॉलो करें जिनको आपने पिछले साल फॉलो किया था। मतलब आप ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, सो दैट कि हम आपको सही कंपेयर कर पाए। सही क्या कर पाए कंपेयर कर पाए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मेरे पास फिक्स असेट्स है 10 करोड़ की, 2019 में और 2020 में। मैंने डेप्रिसिएशन का रेट लगाया, यहां लगाया 10%, यहां लगाया 40%। मुझे बताना क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा? इस साल 10% लगाया, इस साल 40% लगाया, तो इस साल तो डेप्रिसिएशन निकलेगा 1 करोड़ और इस साल डेप्रिसिएशन निकलेगा 4 करोड़। तो एक्सपेंस क्या, लास्ट ईयर से करंट ईयर में एक्सपेंस क्या हो गए? एक्सपेंस क्या हो गए बेटा? एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? देखो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लोगों को तो लगेगा ना कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस गिर गई, ये कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। पर उन बिचारों को क्या पता कि हमने तो डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ा दिया था, जिस वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। वाइस वर्सा, पिछले साल आपने 40% डेप्रिसिएशन लगाया था, इस साल आपने 10% लगाया, तो आपका 4 करोड़ का एक्सपेंस 1 करोड़ का रह गया। इस केस में आपका एक्सपेंस
कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया, लोगों को तो लगेगा कंपनी इंप्रूव कर रही है, लोगों को तो क्या लगेगा कंपनी इंप्रूव कर रही है, पर उनको क्या पता कि हम भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हैं। हम तो खर्चों को कम करके, खर्चों को अंडर करके, खर्चों को कम दिखाकर, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है पर जानबूझकर खर्चों को कम दिखाकर, गलत रूल्स को यूज करके अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर रहे हैं। तो वो यही कहता है कि आप जिन भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनको प्लीज ईयर आफ्टर ईयर सेम रखें, कंसिस्टेंट रखें, सेम रखें और कंसिस्टेंट रखें। आप उनको चेंज ना करें, आप उनको चेंज ना करें। यदि आपका फिर भी मन कर रहा है इनको चेंज करने का, तो उसके पीछे तीन मुख्य कारण होने चाहिए, तो आप उनको चेंज कर सकते हो, तो आप उनको चेंज कर सकते हो। सर पहली चीज क्या होनी चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, पहली चीज क्या होनी चाहिए सर? पहली चीज लॉ में चेंज आ जाए। किसमें चेंज आ जाए बेटा? लॉ में। लॉ ही बोल दे कि अब डेप्रिसिएशन कोई 10% नहीं लगाएगा, सबको 40% लगाना पड़ेगा, या और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें लॉ चेंज हो जाए। लॉ चेंज हो जाए तो आप अपने अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी अजम्पशन को चेंज करके जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने लास्ट ईयर फॉलो किया था, उनको आप इस साल चेंज कर सकते हो। यदि लॉ में चेंज हो जाए, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोल दे कि सर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तो आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। देखो बेटा, सभी लोग वैट फॉलो करते थे, क्या फॉलो करते थे? वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला कि GST लगाओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं जी नहीं, हम तो वैट ही लगाएंगे अभी भी। नहीं सर, लॉ चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बेटा? कम ऑन, एक बार और, लॉ चेंज हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ICAI ने बोल दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि चेंज कर दो, तो चेंज कर दो। तीसरा, आप खुद अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हो, आप खुद अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हो। क्या कह के कि सर इसको चेंज करने से अकाउंटिंग प्रेजेंटेशंस और इंप्रूव होंगी, तो आप चेंज कर सकते हो। पर उस केस में आपको चेंज का इफेक्ट प्रॉफिट पे बताना पड़ेगा। आपको लोगों को अलग से डिस्क्लोज करके बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षरों में लिख के बताना पड़ेगा कि सर हमने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अजम्पशन चेंज करी है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया या हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके पीछे हमारी मैनेजमेंट का या हमारी कंपनी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, अब जनरली लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर को इन्फ्लुएंस करने के लिए खर्चे कम करते हैं या इनकम ज्यादा दिखाते हैं, सो दैट कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ठीक है, पढ़ते हैं, ध्यान से रीड करते हैं, क्या कहते हैं वो एक बार। कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सिलेक्टेड, कह रहा है कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यदि एक बार सिलेक्ट हो गई या अडॉप्ट हो गई, शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, उसको आप ईयर आफ्टर ईयर सेम रखेंगे। आगे चलते हैं, द कॉन्सेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारी हेल्प करता है अकाउंट्स को अच्छे तरीके से समझने में, एंड मेक इट कंपेरेबल, जिसकी वजह से अकाउंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? कंपेरेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बेटा? कंपेरेबल हो जाते हैं विद दैट ऑफ वेरियस ईयर्स, सॉरी प्रीवियस ईयर, पिछले साल से कंपेयर किए जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट पर्सनल बायसनेस, इसकी वजह से किसी की पर्सनल बायसनेस यदि कुछ होगी वो भी हट जाएगी, एंड हेल्प इन अचीविंग अ रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल, इसकी वजह से वो रिजल्ट सामने आएंगे जो बड़े आराम से कंपेयर किए जा सकते हैं। आगे, The consistency is practically, particularly improved when alternative accounting practices are equally accepted. कह रहा है कि ये बहुत important होती है जब एक alternative practice हमारे साथ चल रही होती है। For example, two methods of depreciation charge. Depreciation लगाने के दो method होते हैं, एक होता है straight line method और दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और दोनों ही एक्सेप्टेबल है। पर आप जिसको भी एक बार सिलेक्ट करें उसको ईयर आफ्टर ईयर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं,
Under this assumption, once choose the applied, should be applied consistently year after year. कह रहा आपने जिसको भी एक बार apply किया आपको उसको साल दर साल उसको करना पड़ेगा. But it does not mean, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, practices once adopted cannot be changed. कि इसका ये मतलब बिल्कुल कतई नहीं है कि यदि आपने किसी एक method को, किसी एक rule को, किसी एक चीज को एक बार अप्लाई किया तो आप उसको बाद में चल के चेंज नहीं कर सकते. आप उसको आगे चल के चेंज कर सकते हो. द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज इफ अ लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड और इफ चेंज इज अ रिजल्ट मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन. मैंने भी तो आपको तीन बातें बोली, लॉ में चेंज हो जाए, एएस में चेंज हो जाए. एएस क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. उसमें चेंज, लॉ में चेंज हो जाए, एएस में चेंज हो जाए, या बेटर प्रेजेंटेशन का हवाला देते हुए वो इसको बदल सकते हैं. आगे चलते हैं. इफ अ एंटरप्राइज डिजायर्ड टू अडॉप्ट अ अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, यदि कोई कंपनी एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिस करना चाहती है तो उसे चेंज करना चाहती है तो करे, इट मस्ट डिस्क्लोज इन चेंज. उसको बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर लिया बेटा, चेंज कर लिया है. इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी डिस्क्लोज, और उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे, ये भी आपको बताना पड़ेगा. इतनी बात आप सभी को समझ में आती है बेटा? एक्रुअल अजम्पशन पे किस पे आ गए बेटा? एक्रुअल अजम्पशन पे किस पे आ गए बेटा? लास्ट टर्म किस पे आ गए अपने? एक्रुअल अजम्पशन पे. सर क्या कहती है ये एक्रुअल अजम्पशन? आओ जी समझे. पहले मैं बताता हूं, अक्रूवल अजम्पशन वही बात कहती है बेटा. एक हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, उसमें इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है. वो कह रहा है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप सेल करते हो, चाहे आप एक्सपेंस करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे रिकॉर्ड होगा. वो कह रहा है कोई भी एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा जब आप उसका बेनिफिट इंजॉय कर रहे होंगे. कोई भी एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा जब आप उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे होंगे, ना कि तब जब आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे. उसी प्रकार से जब आप कोई इनकम कर रहे होंगे, मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा होगा, जब एक शॉपकीपर सामान बेचेगा तब वो उसको अपनी इनकम कंसीडर करेगा, ना कि कलेक्शन पे, ना कि कलेक्शन पे. सेल कब मानते हैं? आप खुद देखो, हमने क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया था ना, किया था हमने, उसी दिन उसको अपनी इनकम मान लिया था, चाहे पैसे मिले या आगे चल के डूब जाए वो एक अलग बात है. पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने क्या करी, सेल करी, उसी टाइम पे हमने उसको अपनी इनकम मान लिया. आप मुझे फीस दो या ना दो, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उसे अपनी इनकम कंसीडर कर लूंगा. गॉट इट? चले आगे. बच्चे कहते सर चलो अब रीड करते हैं. According to the accrual assumption, the transactions are recorded in the books of accounts at a time when it ensure into the or settle or not when they are settled take place. मैं भी यही कह रहा हूँ, वो भी यही कह रहा है. कह रहा है जब आप transaction में enter करो, जब आप अपनी obligation fulfill कर दो, जब आप अपनी duty fulfill कर दो, तब आप उसको अपनी income consider कर लो, तब आप उसको अपना expense consider कर लो, ना कि तब जब सेटलमेंट हो जाए, ना कि तब जब सेटलमेंट हो. आगे चलते हैं. Does the revenue is recognized? Revenue का मतलब income is recognized when it is realized. जब क्या होगी वो realized? That is when a sale is completed or service is rendered. जब आप सामान बेच दोगे या जब आप सर्विस दे दोगे. It immediate क्या लिखा है? Immaterial whether cash is received or not. कह रहा पैसा मिला या नहीं मिला ये फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे जब हमने क्या किया बेटा, सामान बेचा. आगे चलते हैं. सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रिलेटेड रिवेन्यू रिलेट टू इट्स रिकॉग्नाइज वेदर इट इज पेड और नॉट पेड. वही तो मैं भी कह रहा हूं, आप खर्चे को भी तभी के तभी मान लेंगे जब आपने उसके बेनिफिट को एंजॉय कर लिया, जब आपने उसके बेनिफिट को क्या किया, एंजॉय किया, ना कि तब जब आप उसकी पेमेंट करेंगे. मान लो मैंने इस बार इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया पर अभी तक किराया नहीं दिया. सर कोई बात नहीं, आपको एंट्री करनी पड़ेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. आपको खर्चा मानना पड़ेगा, पैसे दिए या पैसे नहीं दिए. कोई बात नहीं सर, पैसे बाद में दे देंगे. पैसे कहां, कब दे देंगे बेटा? पैसे बाद में दे देंगे. आगे चले. उसी प्रकार से यदि मैंने किसी को पढ़ा लिया तो मैं उसे अपनी इनकम मान लूंगा, चाहे पैसे मिले या पैसे नहीं मिले.
गॉट इट, आगे चलते हैं। वो कहता है द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसी के बेसिस पे हम अपनी एसेट और लायबिलिटी को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसे तो दे दिए, मैंने रेंट तो दे दिया, पर प्रॉपर्टी में भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। लैंडलॉर्ड ने कहा सर जिस दिन से आप शिफ्ट करोगे ना उस दिन से हम रेंट कंसीडर कर लेंगे। उस दिन से हम क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा? रेंट कंसीडर कर लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है जी, उस दिन से रेंट कंसीडर कर लेना, पर मैं तो रेंट पहले ही दे आया था, 3 महीने हो गए वो प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन ही नहीं कंप्लीट हो रही। क्या मान के चले? जल्दी बोलो क्या मान के चले, एसेट या एक्सपेंस? सर एसेट, क्योंकि अभी तक हमने उसका बेनिफिट एंजॉय नहीं किया। पैसे देने से कुछ नहीं होता बेटा, पैसे देने से कुछ नहीं होता, मेरी बात समझ रहे हो? पैसे देने से सिर्फ एक कैश की एंट्री रिकॉर्ड होती है, पर एक्सपेंस और एक्सपेंस की एंट्री तब रिकॉर्ड होती है जब हम बेनिफिट को कंज्यूम करते हैं। यदि हमने बिना पैसे दिए बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो खर्चा मानो प्लस लायबिलिटी मानो, यही तो करते हो। चाहे आप अकाउंटिंग इक्वेशन देख लो, चाहे आप जर्नल एंट्रीज देख लो, आज देखो आप इन चीजों को कितना अच्छा कोरिलेट कर पा रहे हो अपने करे हुए प्रैक्टिकल के साथ, समझो यही तो करते हैं। मान लो रेंट ड्यू हो गया, पे नहीं किया, तो खर्चा मानते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में दिखाते हो। इसी बेसिस पे हमने लायबिलिटी को डिसाइड कर लिया। आगे चलते हैं। यदि मैंने पैसे दे दिए पर अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं किया तो इसे एसेट कंसीडर करते हैं। तो किसने कहा एसेट कंसीडर करने के लिए? एक्रुअल अजम्पशन ने। किसने कहा बेटा? एक्रुअल अजम्पशन ने। आगे चलते हैं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रॉफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज अर्नड। कह रहा प्रॉफिट को भी तभी मान लोगे जब आपने उसको कमा लिया। एज द टाइम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर्ड टू अ कस्टमर। जैसे आपने गुड्स दे दी या सर्विसेज दे दी तभी आप उसको अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे। दैट इज लीगल टाइटल टू पास टू अ कस्टमर। यदि मैंने अपने कस्टमर के यहां सामान पहुंचा दिया, उसको पसंद करा दिया, उसके यहां सामान पहुंचा दिया, उसने चेक करके एक्सेप्ट भी कर लिया, तो मेरी तरफ से सेल रिकॉर्ड हो गई, मेरी तरफ से सेल इनकम हो गई। Who in turn is obligation to pay for them? और उसकी टर्न है हमारी अपनी obligation को fulfill करे और हमको पैसा दे दे। आगे चलते हैं। Similarly, expenses are regarded incurred when the goods and services are purchased। वो तब यही कह रहा है कि खर्चा भी तब मान लेंगे जब हम goods और services लेंगे। और avail और obligation to pay them is assumed। और ये बात assumed है कि यदि हमने कोई खर्चा किया, हमने कोई बेनिफिट लिया, हमने कोई सामान परचेस किया तो हम उसकी पेमेंट भी कर देंगे, हम उसकी पेमेंट भी कर देंगे। क्या अभी को इतनी बात समझ में आती है सभी लोगों को? क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और आज हमने 3 questions कवर अप करे इस चैप्टर के। 9 questions है। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं 1 से 2 क्लास में उस क्वेश्चन को कवर करा दूं। लगभग 5 से 6 लेक्चर लगा के हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा, लव यू ऑल।